तो चलिए आज आप लोगों को यहाँ पर एक कुचिना ग्लोरिया जो चिमनी है 60 सेंटीमीटर का चिमनी है आज आपको लगा के दिखाएंगे। और एक चीज और भी बताएंगे कि गैस ओवन से जो इसका जो डिस्टेंस मतलब इस प्रकार का इंक्लाइन चिमनी है वो कितना डिस्टेंस में आपको ठीक है, लगाना तो चाहिए। चलिए तो सबसे पहले चिमनी को हम लगा लेते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी क्लैंप जो क्लैंप है यहाँ पर ऑलरेडी सेट कर ठीक लिए है। हैं। इस जगह में चिमनी का भी हैंगिंग करेंगे। एक बार इसको जरूर चेक कर लेना है ऊपर से कि प्रॉपर हैंगिंग हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप ये जो लोग फ्लाप फ्लैप है, ये फ्लैप को आप जब भी इंस्टॉल करेंगे तो इसको जरूर खोल दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कुछ दिनों बाद, 1-2 महीना बाद क्या होगा, जब धुआं यहीं से तो निकलेगा पाइप से होके तो ये चिपक जाता है, उसके बाद धुआं अच्छे से नहीं निकल पाता, जिसके वजह से क्या होता है धुआं सक्शन जो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, किचन में धुआं पूरा रह जाता है। इसी वजह से आपका इसका जो ये जो फ्लैप है ये दोनों को आपको खोल लेना है। आप चाहेंगे इसको लगा भी सकते हैं, ये दोनों जो है आप इस प्रकार से इसको खोल सकते हैं। ये देखिए खोल लिए हमने, चाहेंगे तो आप लोग इसको दोबारा लगा भी सामने से सकते हैं। आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हमने अभी इसका खोल दिया है, इसमें अगर लगा होता तो क्या होता, ये दिक्कत आता है बाद में, ये आवाज करता है पूरा, सक्शन में भी प्रॉब्लम होता है और आवाज भी करता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है चिमनी में, इसीलिए ये इसको खोलना जरूरी था। अभी जो है आप किस प्रकार इसको इसमें जो है पाइप किस प्रकार से लगाएंगे उसका भी हम आपको दिखा देते हैं कि पाइप किस में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ये यहाँ पर है इस प्रकार से, आपने तो ऑलरेडी देखिए, ये देखिए जैसे कि ये इसका जो डायमीटर है वो 6 इंच का डायमीटर है, और ये प्लास्टिक का पीवीसी के पाइप, आप चाहेंगे तो एल्यूमिनियम पाइप भी लगा सकते हैं या फिर मोटा जो पीवीसी पाइप वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइड है ये वाला साइड 6 इंच का डायमीटर का आपका होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपका होगा। आप लोग पूछते रहते हैं कि 4 इंच का जो पाइप आप यहाँ पर लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, 4 इंच में नहीं होगा क्योंकि इसका डायमीटर ही 6 इंच का है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो हिस्सा है आप इस प्रकार से पूरा इजी से इसमें ये घुस जाएगा, पूरा एकदम सेट हो जाएगा, ये प्रॉपर तरीके से ये देखिए सेट हो गया है आपका। अभी 2 से 3-4 राउंड यहाँ पर जो मोटा जो चौड़ा सेलो टेप है उसे आप इसमें यूज करके इसको अच्छे से चिपका सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार का चौड़ा सेलो टेप आता है मार्केट में, ये प्लास्टिक का, ये कौन सा कंपनी के, ये रायन प्लास्ट वंडर, बहुत सारा आता है मार्केट में। तो इस प्रकार से इसको खोलना है और इसको इस प्रकार से 3 से 4 राउंड आपको इस प्रकार से मार देना है प्रॉपर तरीके से, 4-5 राउंड मार देंगे तो एकदम प्रॉपर हो जाएगा, एकदम एक खुलेगा नहीं इस, तो उसके बाद इसको काट दीजिएगा, हम एक ही राउंड आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसके बाद आपको देखिए मेरा पॉइंट यहीं पर दिया गया है, ये सामने ही है, तो आपको अगर चाहिए गया पाइप को अगर ढकाना है, ढकाना चाहते हैं तो आप इस चाहेंगे तो यहीं पर 6 इंच का जो डायमीटर यहीं पर होल कटिंग कर सकते हैं और यहीं पर आपका आप इसको लगा सकते हैं इसी जगह में, ठीक है। तो उसके लिए आपको होल कटिंग पहले से करके रखना होगा या फिर कर सकते हैं बाद में भी चिमनी को खोल के, यहीं पर फिर आपका छोटा पाइप में ही हो जाएगा, नहीं तो आप बड़ा भी पाइप लगाएंगे तो देखिए अभी जितना खींचेंगे ये करीबन 5 से 6 फीट तो आ ही जाता है, जो ये कंपनी के साथ ही कुचिना में आपको कुचिना का चिमनी ले रहे तो आपको ये पाइप फ्री में मिलता है बॉक्स के साथ ही, ऑनलाइन में नहीं, ऑनलाइन प्रोडक्ट में नहीं, सिर्फ जो रिटेल शॉप से आप अगर लेंगे कुचिना का रिटेल प्रोडक्ट तो आप उसका बाकी का ये जो हिस्सा है आप बाहर आपका दीवार के अंदर इस प्रकार से घुसा कर दूसरा साइड में इस प्रकार से कर दे सकते हैं। आपको अगर पाइप को ढकाना है तब आप जो इसका पाइप जो है इसका पाइप को भी आप ढका सकते हैं। और देखिए ये रहा इसका जो ये जो करीबन आपका डिस्टेंस दिया गया है 5 फीट का ये वायर दिया गया है इसमें, तो आप इसी में यहीं पर कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया, अभी हमने कनेक्ट किया देखिए आवाज आया है, ये देखिए अभी ये ग्लास धीरे धीरे ओपन हो रहा है। और आपको अगर ये जो पाइप है इसको आपको ढकाना है, मान लीजिए आपको पाइप को ढकाना है तो आपको क्या करना है, जो हुड है आपका अगर हाइट किचन में जगह कम है, मतलब हाइट जो है गैस ओवन से काउंटर टॉप से अगर ज्यादा नहीं है, 4 फीट का डिस्टेंस है, देन उसमें भी आप इसका जो है ये वाला चिमनी को यूज कर सकते हैं। देखिए आपको हम दिखा देते हैं कि कितना डिस्टेंस है काउंटर टॉप से, ये कितना डिस्टेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए 4 फीट में अगर आपका है
चार फीट भी आपका सीलिंग जो है किचन का जो सीलिंग है अगर चार फीट डिस्टेंस में भी है देन आप ये वाला जो चिमनी को यूज कर सकते हैं। काउंटर टॉप से इसका जो नीचे का जो हिस्सा है चिमनी का नीचे का जो हिस्सा है देखिए आप दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए ये चिमनी है, ये जो गैस ओवन है गैस ओवन से इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो करीबन आपको 18 इंच होना चाहिए। कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस वो 18 इंच मतलब आपका एक फीट 6 इंच का डिस्टेंस आपको होना चाहिए। बुक में ही यहाँ पर देखिए दिया गया प्रॉपर किस प्रकार से इसको इंस्टॉलेशन करना है आपका, आप जहाँ पर खड़े होंगे वहाँ से आपका जो चिमनी का हाइट वो कितना डिस्टेंस में होना चाहिए एकदम प्रॉपर देखिए डिस्टेंस एकदम इंस्टॉलेशन डिस्टेंस इस प्रकार से आपको इंस्टॉलेशन जाके ये प्रॉपर तरीके से सक्शन कर पाएगा। और आपका घर में अगर 3 बर्नर गैस ओवन है देन तो 60 सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। देखिए ये जो है ये आपका जो गैस ओवन है ये आपका 60 सेंटीमीटर साइज में ही है ये, और इसमें आपका जो 3 बर्नर जो अच्छे से ये कवर कर रहा है। देखिए इसका जो साइज है ये भी 60 सेंटीमीटर में ही है लेकिन इसका जो बर्नर वगैरह है वो आपका एक बड़ा वाला जो है ये आपका साइड में रहेगा और दो छोटा छोटा बर्तन आप यहाँ पर यूज अच्छे से कर सकते हैं, इजी से आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर 60 सेंटीमीटर हब लेना चाहते हैं तो बहुत सारा मॉडल अवेलेबल है 60 सेंटीमीटर में, 60 सेंटीमीटर चेंजिंग 3 बर्नर गैस ओवन आपको अगर देखना है कौन कौन सा मॉडल अवेलेबल है देन इस वीडियो कैन में आपको वाला मॉडल मिल जाएगा। ठीक है तो इस प्रकार से आप एज वाला जो मॉडल है इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और प्लस 60 सेंटीमीटर हब में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी जो पाइप को अगर आपको ढकाना है पाइप को ढकाने के लिए जो हुड आपको मिलता है हुड जो मिलता है आप हुड का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका जो हुड है आप इसका जो यूज कर सकते हैं, देखिए हम अभी नहीं खोल रहे हैं बिना खोल के ही आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये इस प्रकार से आप इसका जो हुड है यहाँ पर लगा देख सकते, फिर क्या होगा आपका जो पूरा हुड है चिमनी का ये देखिए चिमनी का पूरा जो हुड है वो पूरा ढक जाएगा। हम आपको ये वाला जो हिस्सा है ये खोल के भी दिखा दे रहे हैं, उसके बाद चिमनी को आपको ऑपरेट करके भी दिखाएंगे कि चिमनी को आप किस प्रकार से ऑपरेट कर। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाइए एंड वीडियो को ज्यादातर ज्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा कि दूसरे लोगों का भी हेल्प हो जाएगा जो भी किचन चिमनी का इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर ये वाला मॉडल लेना चाहते हैं या फिर कुछ ना का या फेवर का कोई भी मॉडल लेना चाहते हैं। यहाँ पर इस चैनल में करीबन 800 प्लस वीडियोस दिया गया आप लोगों के हेल्प के लिए, तो सब वीडियो देखिएगा आप इसमें यहाँ पर लगा देंगे इस प्रकार से ये पूरा यहाँ पर सेट कर देंगे। तो देखिए आपका जो पाइप है चिमनी का जो पाइप है वो पूरा एकदम ढक गया है एकदम थोड़ा सा भी दिख नहीं रहा है। तो पाइप का आपका जो आपका अगर आप बड़ा लंबा पाइप भी लगाएंगे उसको भी आप पूरा ढक सकते हैं, वो आप प्लाई का किचन जो अगर कर रहे हैं या वो मॉड्यूलर किचन करवा रहे हैं तो उसमें भी आप उसको ढका सकते हैं, नहीं तो ये जो है आपका सामने ही आप लगा देंगे पाइप के जगह। अभी चिमनी को जो है आप लोग अपार्ट कैसे कर पाएंगे और इसका पूरा जो है डायमेंशन हम आपको दिखा दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कि मॉड्यूलर किचन अगर आपका कर रहे हैं या फिर करवाने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना क्या जगह छोड़ना होगा वो आपको हम यहाँ पर आपको बता दें। इसका जो ये वाला जो हुड का डिस्टेंस है ये वाला हुड आपका होगा 343 mm, कितना mm 343 mm ये वाला हुड का जो डिस्टेंस हो 343 mm। आप अगर इसका 60 सेंटीमीटर ले रहे हैं साइज या फिर 75 या फिर 90 तीनों साइज का हुड आपका सेम रहेगा। उसके बाद ये जो साइड वाला जो हिस्सा है साइड आपका कितना आप छोड़ेंगे इसका जो साइड वाला हिस्सा है वो आपका 301 mm का है एंड इसका जो हाइट है हुड का वो 450 mm, कितना mm 450 mm इसका हुड का हाइट है। तो आपको हुड का पता चल गया है कि कितना इसका हाइट वगैरह है mm में। अभी हुड से चिमनी का जो नीचे का हिस्सा है वो कितना mm है कितना हाइट है टोटल है ये हुड से चिमनी का एकदम नीचे का जो हिस्सा है वो टोटल है 887 mm, कितना mm 887 mm इसका हुड से एकदम हुड का टॉप फ्लोर से। ठीक है अभी इसका जो साइड का जो हिस्सा है एकदम पीछे से सामने का जो हिस्सा है ये कितना mm है वो भी आपको बता दे रहे हैं। ये वाला है करीबन 393 mm नीचे से एकदम नीचे से जो इसका जो लेंथ है ये आपका 60 सेंटीमीटर है। अगर आप 75 ले रहे आपको एक चीज हम बता दे रहे हैं इसका बाकी जितने का हमने अभी नाप आपको बताया है ये सभी आपका सेम टू सेम होगा ओनली
सिर्फ अगर 75 लेंगे तो वो आपका 75 सेंटीमीटर मतलब 750 mm हो जाएगा। अगर 90 सेंटीमीटर का चिमनी ले रहे हैं तो वो 900 mm का हो जाएगा। बाकी जितना भी हमने नाप आपको बताया है, हुड का नाप सेम होगा, सामने से पीछे का नाप सेम होगा। और अगर आपका इसको इसका डिस्टेंस जानना है, इसका डिस्टेंस हम आपको बता दे रहे हैं, ये करीबन आपका 2 इंच है, 2 इंच इसका जो मोटाई है वो 2 इंच का है, ये वाला हिस्सा 2 इंच का है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो गया होगा कि आपको इसका जो डिस्टेंस हो कैसे नापना है। तो आपका अगर मॉडुलर किचन आप अगर बना रहे हैं देन आपके लिए एकदम प्रॉपर तरीके से हमने पूरा प्रोडक्ट डायमेंशन इसका जो है हमने अच्छे से, इसमें मेन मेन जो फीचर्स है वो आपको हम यहीं पर बता देते हैं और सक्शन पावर भी बता देंगे। ये एक फिल्टर लेस चिमनी है। कौन सा चिमनी है? ये एक फिल्टर लेस चिमनी है और इसमें जो है आपको मिल जाएगा इंटेलिजेंट ऑटो क्लीन। क्या मिलेगा? एक इंटेलिजेंट ऑटो क्लीन चिमनी है। यहाँ पर आपको आई ऑटो क्लीन शो करेगा और इसका नीचे का जो हिस्सा है, ये जो नीचे हिस्से का अभी देख रहे हैं, ये वाला जो मॉडल है, ये वाला मॉडल आपका पहले जब ग्लोरिया DLX 60 लॉन्च किया था, 190 लॉन्च किया था, उस टाइम में ये स्टील का था। तो ये वाला जो मॉडल है उस टाइम वो ऑटो क्लीन में आया था, लेकिन आप लोग अगर अभी परचेज करने जाएंगे मार्केट से तो वहां पर आपको आई ऑटो क्लीन मिलेगा और ये भी आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, मतलब ग्लास में मिलेगा, सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ ये ग्लास में हो जाएगा और आई ऑटो क्लीन में आ जाएगा। और बाकी जो इसका फंक्शनलिटी है बाकी सब कुछ इसमें सेम है। तो फिल्टरलेस चिमनी विथ आई ऑटो क्लीन मिलेगा विथ BLDC मोटर इसमें लगा हुआ है, जो कि आपका किचन में जब इसको आप अपार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक खर्चा आपका कम होगा। और इसमें मोशन सेंसर एंड टच दोनों से आप इसे अपार्ट कर सकते हैं। इसमें टोटल 9 स्पीड दिया गया है, इस प्रकार से आप इसमें जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें स्पीड जो 9 स्पीड तक बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से आप चिमनी को 2 बार करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड में तो ये चिमनी पूरा बंद हो जाएगा। तो मोशन सेंसर को बंद करेंगे इस प्रकार से। चिमनी को अगर टॉर्च से अपार्ट करना है तो टॉर्च से अपार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो इसका पावर बटन देना होगा, पावर बटन इस प्रकार से देंगे, उसके बाद आप ग्लास पूरा ओपन होने दीजिएगा, उसके बाद ही चलाइएगा। उसके बाद आप ये जो ये देख पा रहे हैं इससे आप इंक्रीज कर सकते हैं स्पीड 1, 2, 3 करके, इस प्रकार से आप पूरा इसका जो स्पीड है आप इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपका स्पीड घटेगा एकदम, पूरा ये घट जाएगा। आपको अगर चिमनी को बंद करना है तो 2 बार आप जो पावर बटन है उसको दे देंगे तो ये आपका चिमनी बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आपका ऑटो क्लीन करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ऑटो क्लीन आपका हो जाएगा क्योंकि ये आई ऑटो क्लीन में अभी मार्केट में आ गया है, इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आई ऑटो क्लीन में आपको ऑटो क्लीन करने का जरूरत नहीं। इसमें एक आपको ऑयल कलेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? ऑयल कलेक्टर। देखिए ये जो ऑयल कलेक्टर इसमें आपको मिलता है, ये यहाँ पर सेट होता है, ये यहाँ पर आपका सेट हो जब भी होगा ऑटो क्लीन होने के बाद, इसमें जो है ऑयल पूरा जमा होता है और इसको आपको हर 10-15 दिन में एक बार इसको इस प्रकार से खोलना है। इसमें जो भी ऑयल वगैरह जमा होगा उसको अच्छे से फेंकना है बाहर में, इसको क्लीन करके दोबारा इसको लगा देना। 10-15 दिन में आपको इसको जरूर एक बार जरूर कर लेना है, फिर जितना भी ऑयल गंदा होगा वो आप अच्छे से क्लीन करेगा। एंड जो और एक चीज आपको जरूरी करना है, खाना पकाने के बाद जैसे आप गैस हॉब को क्लीन करते हैं अच्छे से, वैसे ही सेम टू सेम आपका ये जो किचन चिमनी है आपको 5-10 मिनट बाद आपको जब भी ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपका इसका जो ग्लास है इसको भी आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। एंड इसका जो फिल्टर है, ये जो फिल्टर लेस, ये जो फिल्टर वाला हिस्सा है, इसको भी अच्छे से आपको एक बार हाथ मार लेना है, फिर प्रॉपर तरीके से डेली आप करेंगे तो आपका चिमनी पूरा साफ रहेगा। इसमें जो सक्शन कैपेसिटी दिया गया है टोटल 1600 सक्शन कैपेसिटी इसमें दिया गया है। 1600 सक्शन मतलब आप इस चिमनी में अगर करीबन 15-20 फुट का पाइप भी यूज करेंगे, मतलब अगर आपका जगह नहीं है सामने में पाइप को निकालने का देन आप 15-20 फुट पाइप भी इसमें यूज करेंगे तो भी आपका सक्शन को अच्छे से कर पाएगा, इसीलिए 1600 सक्शन इसमें दिया गया है। BLDC मोटर, फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी, आई ऑटो क्लीन एंड सबसे बढ़िया जो है नॉइज लो, इसका जो नॉइज लेवल है एकदम कम है, मात्र 48 डेसिबल इसमें दिया गया है, नॉइज लेवल एकदम कम है। और आपको इसमें जो मिल जाएगा 2 फ्री सर्विस भी आपको इसमें मिल जाएगा, तो करीबन आपको ये 30,000 में आपको ये आ जाएगा। कितना? 30,000 जी। इसका प्राइस अच्छा है लेकिन क्वालिटी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसी वजह से कुछ ने इसको बेस्ट तरीके से इसको बनाया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जो जो चीजें हमें आपको जानकारी देना चाहिए तो प्रॉपर सब कुछ हमने इस चिमनी के रिगार्डिंग दे दिया है। अगर कोई भी चीज इसमें छूट गया है वो चीज है LED लाइट,
जी इसमें एलईडी लाइट का भी सुविधा दिया गया है, और इसी सेम प्रकार से जैसे आप देख पा रहे हैं आपका किचन में, से ये भी एक किचन है, मॉड्यूलर किचन सेम टू सेम देख पा रहे हैं, ये भी एक मॉड्यूलर किचन है, हमने आप ही लोगों के लिए बना के रखे हैं कि आप अपना जो किचन है वो किस प्रकार से इसमें यूज करेंगे। देखिए ये मॉड्यूलर किचन है, एकदम प्रॉपर तरीके से मॉड्यूलर किचन बना के रखे हैं आप ही लोगों के लिए, और ये किचन में सिर्फ कैबिनेट यहाँ पर नहीं है, ऊपर वाला जो हिस्सा है एकदम इसी प्रकार से सेम टू सेम आपका जो है घर में ये रहेगा एकदम सेम टू सेम। देख लीजिए मॉडल को, आपको अगर इसको लगाना है तो जरूर आप लोग ये वाला मॉडल को यूज कर सकते हैं अपना जो है किचन में। ये देखिए एलईडी लाइट है, नीचे का जो हिस्सा उसको छोड़ दीजिए, जो स्टील में दिख पा रही है वो आपका ब्लैक में मिल जाएगा, और नीचे जो ये जो चीज है ऑयल कलेक्टर वो भी आपको ब्लैक में मिलेगा नया जो आप मॉडल लेंगे उसमें। तो इसमें बाकी सब कुछ आपको डिटेल्स में पता चल गया, और इसमें जो है आपको सब कुछ डिटेल्स इसका साइड में दिया रहता है। ये देखिए ग्लोरिया DLX 60, इसमें क्या क्या है नहीं है सब कुछ प्रॉपर तरीके से इसमें दिया गया है। तो एक बहुत ही अच्छा चिमनी है, और ये रहा इसका पूरा देखिए प्रोडक्ट डायमेंशन सब कुछ डिटेल्स क्या क्या फंक्शन है नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको प्रॉपर सब कुछ नॉलेज हो गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आगे चाहिए होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको जरूर दबाइएगा, फिर आपको क्या होगा आगे भी इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय टाटा। चिमनी इस प्रकार से बंद कर देंगे।